यूट्यूब चैनल शबाना। इसमें मैं आज आपको एक सिंपल सी रेसिपी देने वाली हूँ जिसमें हम सिंपल पकोड़ा चिकन मिक्स बनाते हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें हमें सबसे पहले तो चाहिए बेसन, वो तकरीबन 1.5 कप है यानी 1.5 कप के करीब। और इसके अलावा ये मैंने मीडियम साइज़ के तकरीबन 3 अदद आलू जोन से हैं वो इस शेप में काटे हैं, इस शेप में। इसके अलावा शेप आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी काट सकते हैं। इसके अलावा हमें एक चाहिए मीडियम साइज़ का प्याज, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा श्रेड किया हुआ चिकन। ये सबसे पहले पका हुआ है, उसके बाद उसको मैंने ये रेशे की सूरत में कर लिया है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो खुश मसाला ज़्यादा हमें चाहिए उसमें हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, नमक, खुश्क धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत धनिया, ज़ीरा और चुटकी भर इसमें हमें चाहिए मीठा सोडा। ये ऑप्शनल है, कुछ लोग पकोड़ों को सख्त खाना पसंद करते हैं और कुछ थोड़े से नरम। यहाँ पर थोड़े से नरम खाए जाते हैं इसलिए मैं इसका थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बाउल में इसकी मिक्सिंग का तरीका बताती हूँ। मिक्सिंग के लिए मैंने बाउल में सबसे पहले बेसन डाला, उसके अंदर ये जाएंगे अनियन, रेड चिली, ग्रीन चिली और कोरिएंडर, ये सब्ज़ धनिया। उसके बाद श्रेड किया हुआ चिकन, सारे ड्राई मसाले हम डालेंगे इसमें, और उसके बाद ये हम इसमें सारे पोटैटोस, कटे हुए सारे आलू भी इसी में शामिल कर देंगे और इसको थोड़े से पानी के साथ हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी, इस तरह से इसकी कुछ शक्ल आएगी। फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको आप तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और इसके बाद इसको हम फ्राई करते हैं। 10 मिनट रेस्ट के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हमें इसके लिए कुछ चीज़ें की चीज़ ज़रूरत है जिसमें हम एक डिश आउट करने के लिए प्लेट में पहले से टिश्यू लगा लेंगे और ये चम्मच और एक ये पकौड़े निकालने के लिए अलग से डिश। आइए और अब हम इसको तलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म किया है और उसके बाद उसी मिक्सचर में से एक पकोड़ा डाल के मैं इसको यहीं पे टेस्ट कर लूँगी कि इसमें कोई नमक या मिर्च में कुछ कमी तो नहीं। ये ऑप्शनल है, अगर आप पहले ट्राई करके चेक करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। आइए तो अब इनको तलना स्टार्ट करते हैं। उसको मैंने टेस्ट किया तो उसका टेस्ट ठीक था, उसमें कुछ कमी बेशी नहीं थी। इसकी अब मैंने बाकी के पकौड़ों को चम्मच के ज़रिए डाला है, आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी इस कढ़ाही में डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट एक साइड पे पकने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी पोजीशन में इसको एक से दो मिनट अभी पकने देंगे। इसकी फाइनल लुक आने तक हम इसकी साइड वक्फे वक्फे से बदलते रहेंगे। जैसे ही इसकी फाइनल लुक आती है तो मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पकौड़ों को हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। इस पोजीशन पे आके हम इसको छन्नी के साथ निकाल लेंगे। इस तरह से आप पकौड़े फ्राई करके पहले एक सिंपल डिश में निकालें और उसके बाद आप टिश्यू वाली प्लेट में इसको निकाल लें। तो गाइस, मैंने इस तरह से तमाम पकौड़े बाकी के भी फ्राई कर लिए हैं। अब आप इनको रेड चटनी केचप वाली और ग्रीन चटनी इमली के पानी वाले के साथ इंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट, आई होप यू गाइस लाइक दिस। थैंक यू।